हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आप दोनों की कहानी में आगे क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू एंजल्स। ऐसा लगता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और इनके मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी है, जहाँ पे इनको सही गलत का पता तो है पर इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि पहला कदम कौन सा उठाना है। ऐसा लगता है ये पर्सन वाकिफ़ हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपको खुश करना है, आपको इम्प्रेस करना है तो उनको क्या करना है। आखिर आप चाहते क्या हो इनसे ये पर्सन बखूबी जानते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है ये भली भांति जानते हैं कि इनको अपनी तरफ से वो पहला कदम उठाना पड़ेगा अगर इनको आपसे बात करनी है। वो पहला कदम अगर ये उठाते हैं तभी आप इनसे बात करोगे, तभी आप भी खुलकर इनसे कुछ बोल पाओगे, अपनी फीलिंग्स को बता पाओगे। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा रुतारू हो रहे हैं। ऐसा कोई लम्हा नहीं जा रहा है जब ये पर्सन आपके बारे में ना सोचे। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं और इनका सारा का सारा काम इधर उधर हो रहा है और ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगा है कि ये पर्सन जो हैं वैसे तो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, करते भी हैं तो ये दूसरों को तो नहीं दिखाते इतना, पर आज ऐसा लगा है कि ये किसी पे भड़क गए हैं बुरी तरीके से। और उसका रीज़न ये है कि इनका दिमाग खुद का शांत ना होना। मुझे लगता है इस पर्सन ने आज से पहले ऐसा कभी किया नहीं है। हो सकता है कि हमेशा आप ही जाते रहे हो इस पर्सन के पास, जब जब ये रूठ जाया करते हैं या फिर इनको मनाने, या फिर आप दोनों के बीच में जब बहुत ज़्यादा समय हो जाए और सेपरेशन हो जाए तो आप ही गए हो हमेशा इनको मनाने, उस सेपरेशन को दूर करने के लिए। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही आपने दूर की है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस पर्सन को आदत नहीं है खुद से आने की आगे, इस पर्सन को आदत नहीं है खुद से मूव लेने की, पर ये पर्सन इस बार बहुत मजबूर नज़र आ रहे हैं। लगता है कि इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि काफ़ी दिनों से आपकी तरफ से भी कोई खबर ना, कोई चिट्ठी ना, कोई संदेश। तो इनको ना डर बैठ गया है कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। पहले क्या होता था कि आप कुछ भी करके आप अपने पर्सन को मनाते थे, चाहे डांटते थे भले ही झगड़ा करते थे, पर आपको ये था कि बात होनी चाहिए, किसी भी तरीके से बात शुरू होनी चाहिए। पर आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें बंद होता देख ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में बेचैनी बढ़ गई है आपको लेके। आपको खोने का डर इस पर्सन में बखूबी दिख रहा है, वो भी साफ साफ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आने वाले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा ही बेचैन मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर संकेत देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर हिंट देंगे आने वाले 24 घंटों में। मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं आपको थोड़ा पिछले 24 घंटे का बता दूं, ऐसा लग रहा है कि पिछले 24 घंटों में हो सकता है आपने इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ देखी हो या उसे महसूस किया हो, कोई सॉन्ग सुना हो या फिर कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी याद दिलाता है आपको, वो चीज़ हुई है आपके साथ, वो आपने महसूस की है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इनकी यादों में खो रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा आपका, आपका भविष्य पूरी तरीके से अंधेरे में है, क्योंकि आप इस पर्सन को नहीं देख पा रहे हो, इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ आपको हर तरफ से कमज़ोर बनाती जा रही है। पर जैसा कि मैंने बोला,
अगले 24 घंटे में यही सेम फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है कि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके पास बिना आए रह नहीं पाएंगे। ये आपको ज़रूर कोई ना कोई हिंट देंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जेलेसी का भी मामला है। इस पर्सन के मन में रह रहे कि ये भी आ रहा है कि अगर जब ये आपके पास आए तो अगर आपके लाइफ में कोई और हुआ तो ये पर्सन उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इनसिक्योरिटी भी इस पर्सन के दिमाग में चलती हुई दिख रही है। इस पर्सन ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है, जो आपको परेशान तो कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी फीलिंग्स दो टाइप की है यहाँ पे। एक पल को तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अब वो नहीं आएंगे, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर दूसरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्मीद कभी मरती ही नहीं। आपकी उम्मीद हमेशा जगी हुई रहती है और ऐसा लग रहा है कि आप उम्मीद हारने के लिए रेडी नहीं हो। अगर ये पर्सन आपके पास एक बार आके खड़े भी हो जाएं, तो भी एक बहुत हिम्मत की बात होगी और आप अपने पर्सन की बात सुनने के लिए भी रेडी हो जाओगे। ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कन्विंस करना चाहते हैं, पर ये वही चीज़ किसी और पर आज़मा रहे हैं। मतलब कि ये रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ की। अगर आपको शक है कि अगर ये किसी और से बात करते हैं आपके पीठ पीछे, तो हो सकता है कि आपका शक बिल्कुल सही निकले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरे लोगों से भी वही चीज़ बोल रहे हैं जो ये आपको बोलना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला रिहर्सल, हो सकता है कभी आपने इनके फ़ोन में या फिर कभी इनसे सुना हो या आपको पता चल गया हो कि ये किसी और से भी बात करते हैं। अगर आपने कभी इनसे पूछा है तो मैं आपको बता दूँ, सच्चाई ये है कि इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं ताकि ये आपको समझ सकें। अगर आपके पर्सन बॉयज़ हैं तो ये बहुत सारी गर्ल से बात करते हैं, अगर गर्ल है तो ये बहुत सारे हो सकता है मेल से बात करती हों, ताकि वो बहुत अलग अलग मेल से बहुत अलग अलग फीमेल्स का नज़रिया समझ सकें और उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके ये आपको समझ सकें। बहुत अनोखी बात निकल कर आई है इस रीडिंग में। ऐसा लगता है ये पर्सन सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए ही आपसे अलग हैं। ये पर्सन जानते हैं जब तक इनमें वो बदलाव नहीं आएंगे जिससे आप खुश रहोगे, जब तक उनमें वही पुरानी कार्मिक हैबिट्स चलते रहेंगे, वही चीज़ों को वही गलतियों को ये दोहराते रहेंगे और अपने आप को सुधार के आपके अनुसार ढाल के ये नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता आपके पर्सन वापस तब तक आएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जान चुके हैं कि आप कभी भी यू वॉन्ट सेटल फॉर लेस, आप कम की उम्मीद ना ही रखते हो, ना ही कम में इनको एक्सेप्ट करोगे। ये पर्सन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ गई है, तभी अपने आप को तराशने में, अपने आप को परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लुक्स से इनसिक्योर हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन से ज़्यादा खूबसूरत हो लुक वाइज, फिज़िकल वाइज, तो ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ खड़े होने के लिए या फिर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए इनको लुक्स वाइज भी परफेक्ट होना ज़रूरी है। क्या पता आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि हर कोई जब दूसरे मौके की तलाश में आता है वो कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो कोई भी अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन पूरी तैयारी के साथ इस वक्त ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ तरीके से अगले 24 घंटे में कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे ये पर्सन। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।